महाराष्ट्र में सरकार बनाने को लेकर रस्साकसी जारी है। बीजेपी अपना मुख्यमंत्री चाहती है और शिवसेना अपना। बीजेपी का कहना है कि बीजेपी शिवसेना गठबंधन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में चुनावी मैदान में थी और जनता ने गठबंधन को जिताया, इसलिए ये माना जाना चाहिए कि फडणवीस के पिछले 5 साल के कामों पर जनता का मुहर है। तो इस हिसाब से सीएम पद शिवसेना को देने का सवाल ही नहीं उठता। अब जनता में ये मैसेज जा रहा है कि शिवसेना की तरफ से सरकार बनाने में रोरा अटकाया जा रहा है। शिवसेना के नेता संजय राउत एनसीपी चीफ शरद पवार से मुलाकात किए। इससे जनता में ये भी संदेश गया कि शिवसेना एनसीपी और कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाने की कोशिश में है, जिससे शिवसेना की फजीहत भी हो रही है, क्योंकि शिवसेना और कांग्रेस एनसीपी की आइडियोलॉजी बिल्कुल ही अलग है। तो क्या शिवसेना सीएम पद को लेकर अपने आइडियोलॉजी से समझौता कर सकती है? इन सब को देखते हुए शिवसेना के सांसद संजय राउत एक बार फिर से मीडिया के सामने आए। संजय राउत पहले राज्यपाल से मिलने गवर्नर हाउस पहुंचे और राज्यपाल से मिलने के बाद मीडिया के पास आकर अपने द्वारा फैलाया गया रायता को साफ करने की कोशिश की। संजय राउत बोले कि सरकार बनाने में जो देरी हो रही है, इसमें शिवसेना की कोई जिम्मेदारी नहीं है। हम सरकार बनाने में कोई रोरा नहीं बन रहे हैं। जिसके पास बहुमत है वो सरकार बनाए। अब संजय राउत को कौन समझाए कि जनता ने दोनों ही पार्टियों को बहुमत दिया है और शिवसेना इस गठबंधन में शामिल नहीं हो रही। तो कैसे संजय राउत कह सकते हैं कि शिवसेना सरकार बनाने में रोरा नहीं बन रही? ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।